जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। हाँ, ये मूवी आपको बोरियत बिल्कुल फील नहीं कराएगी। IMDB पर इसकी रेटिंग 10 में से 5.9 है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक न्यूज से, जिसमें एक बड़ी और फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिज की बॉडी बाथरूम में डेड पाई गई। एना की ऑटोप्सी अगली सुबह होनी थी, तो एना की बॉडी को सिटी के बेस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। इस हॉस्पिटल में पाओ नाम का लड़का जो इस हॉस्पिटल में काम करता है, और वो एना की बॉडी को मुर्दा घर में लेकर रख देता है और उसकी बिना कपड़ों की तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों को भेजता है। फिर कुछ घंटे बाद पाओ के दो दोस्त इवान और अवी अपनी पार्टी छोड़कर हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एना की बिना कपड़ों की फ़ोटो देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे न्यूड देखने के लिए वो यहाँ आ जाते हैं। वो पाओ को एना को दिखाने के लिए कहते हैं। पहले तो पाओ उनको अलाउ नहीं करता क्योंकि उसको अपनी जॉब खोने का डर होता है, बट उसके दोस्त उसे ड्रिंक और ड्रग्स का लालच देकर मना लेते हैं। फिर वो सब बेसमेंट में जाते हैं जहां मुर्दा घर होता है। ये जो तीनों दोस्त हैं, इनमें जो इवान होता है वो बहुत बुरी नीयत वाला बंदा है। वो पाओ को एना की बॉडी दिखाने को बोलता है, लेकिन पाओ मजाक में एक ओल्ड एज लेडीज़ की बॉडी दिखाता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। ये देखकर पाओ उन पर बहुत हंसता है। फिर पाओ एना की न्यूड बॉडी दिखाता है। इवान को उसे देखने की काफ़ी तलब होती है क्योंकि एना बहुत ही खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस थी। इवान एना का कॉफिन हटा देता है और उसको पूरी तरह से न्यूड देखता है। पूरी तरह से उसे न्यूड देखकर वो एक्साइटेड होने लगता है। एवी को इवान का इरादा ठीक नहीं लगता। एवी इवान को रोकता है, लेकिन इवान उसकी नहीं सुनता और इवान पाओ और अवी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद इवान एना की बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है और पाओ भी ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी एना की डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है। अवी उसको भी ऐसा करने के लिए रोकता है, लेकिन उसकी नहीं सुनता। जब पाओ एना की बॉडी के साथ सेक्स कर रहा होता है, इसी दौरान अचानक एना होश में आ जाती। इससे ये पता चलता है कि वो डेड नहीं थी, बेहोश हुई थी, और ये देखकर पाओ डर जाता है और चीखने लगता है। तीनों एना को जिंदा देखकर डर जाते हैं, ये सोचकर कि अब ये रेप केस में फंस जाएंगे। वहीं एवी देखता है कि एना की हालत अब भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उसे पानी पिलाता है और कपड़े पहनाता है। फिर वो रूम के बाहर जाकर इन्फॉर्म करने की सोचता है, लेकिन इवान उसको रोकता है क्योंकि एना ने अगर अपने रेप के बारे में बताया तो वो फंस जाएंगे। इतने में कोई उस मुर्दा घर में बॉडी रखने आता है और वो तीनों स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं। एना आवाज़ लगाती है, पर वो एम्प्लॉई जो मुर्दा घर में मुर्दा रखने आया होता है उसने ईयरफोन लगाए होते हैं, जिससे वो नहीं सुन पाता। जितनी देर में एना चादर हटाती है, वो एम्प्लॉई वहाँ से चला जाता है। फिर एवी एना को बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो इवान उसे रोकता है, लेकिन एवी इवान की बात नहीं मानता, तो इवान और एवी में हाथापाई हो जाती है, जिसमें एवी को सर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और काफ़ी खून बहता है। ये देखकर दोनों काफ़ी डर जाते हैं और इवान को गिल्टी फील होने लगती है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था। ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से एवी को बेहोशी जैसा होने लगता है। ये सब एना भी देख रही होती है और उसे एवी के लिए दुख होता है क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा था। फिर इवान और पाओ एवी को स्टोर रूम में ले जाते हैं और अब वो धीरे धीरे अपना होश खो रहा था। इवान आदि को कहता है कि वो उसे बचा लेगा, उसे कुछ नहीं होने देगा। पाओ एना को भी स्टोर रूम में लेकर आता है। फिर इवान और पाओ एवी का जो ब्लड बिखरा हुआ होता है मुर्दा घर में, उसे साफ करने लगते हैं। एना अभी भी चोट की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रही थी और ना ही अपनी बॉडी हिला पा रही थी। तभी इवान और पाओ स्टोर रूम में आते हैं तो एना कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी स्टोर रूम में एक और एम्प्लॉई जो पाओ का दोस्त होता है आता है और एना की बॉडी दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन पाओ कहता है रात बहुत हो चुकी है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर वो किसी तरह उसे टाल देता है और वहाँ से भेज देता है। इसी बीच एवी, जिसे कि बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और ब्लड लॉस हुआ होता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर पाओ और इवान बहुत रोते हैं, बाहर आ जाते हैं।
वो सोचते हैं कि अब वो रेप और मर्डर दोनों के केस में फंस जाएंगे। पाव रोने लगता है पर इवान इससे बचने की योजना बनाने लगता है। इसी बीच एना कोशिश करके स्ट्रेचर से गिर जाती है और अवी के मोबाइल से एक फ़ोन लगा देती है। जैसे ही एक रिंग बजती है सामने वाले के फ़ोन में, तब तक इवान आ जाता है और फ़ोन काट देता है। वो एना पर गुस्सा होता है। फिर वो दोनों एना को स्ट्रेचर पर लिटाकर स्टोर रूम से बाहर लाते हैं मुर्दा घर में। तभी एवी का फ़ोन बजता है। इवान फ़ोन उठाता है। एना बोलने की कोशिश करती है मगर पाओ उसका मुंह बंद कर देता है और इवान कॉल को रॉन्ग नंबर बोलकर डिस्कनेक्ट कर देता है। इवान एना को धमकी देता है कि अगर वो फिर से ऐसी हरकत करेगी तो वो उसे भी मार देगा। फिर इवान डस्टबिन लेने के लिए बाहर चला जाता है। वो एवी की बॉडी को उस डस्टबिन में रखकर बाहर ले जाकर ठिकाने लगाने की योजना बना चुका होता है। इसी बीच पाओ घबराया हुआ एना को बांधने की कोशिश करता है। यहाँ पर अब सिर्फ पाओ और एना है। यहाँ एना पाओ को कहती है कि वो रेप वाली बात किसी को नहीं बताएगी और एवी का खून तो उसने किया ही नहीं है, तो उससे इस बात के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एना की बात पाओ समझ जाता है और उसे हल्के से बांधता है। इसी बीच इवान जो डस्टबिन लेने जाता है वो छुप जाता है क्योंकि वहाँ दो नर्स आकर बातें करने लगती हैं और उनकी ये बातें कुछ ज़्यादा ही लंबी होती हैं। तब तक वो वहाँ छुपा हुआ होता है। यहाँ पाओ स्टोर रूम में एवी की ब्लड साफ करने लगता है। एना अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करती है। उधर इवान नर्स के जाने का वेट करता है ताकि वो डस्टबिन लेके जा सके। इसी बीच एना अपनी रस्सी छुड़ा लेती है और रेंगते हुए मुर्दा घर से बाहर निकल जाती है। यहाँ जैसे ही नर्स जाती है इवान डस्टबिन लेकर मुर्दा घर आ जाता है। वो देखता है कि एना वहाँ नहीं है। वो पाओ पर गुस्सा करता है और एना को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं दोनों मिलकर। एना उनसे बचते बचते किसी तरह से लिफ्ट के पास पहुँच जाती है और वो लिफ्ट के अंदर भी चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद होने वाला होता है वहाँ पर इवान आ जाता है और वो एना को घसीटते हुए फिर से मुर्दा घर में ले जाता है। उसे में उसे मारने की सोचता है और पाओ से उसका गला घोटने के लिए कहता है। तब पाओ उसे कहता है कि ये काम तुम करो क्योंकि तुमने पहले भी अवी को मार दिया है, तो तुम्हें ये सब करने में आसानी होगी। इवान ये सुनता है तो उसे लगता है कि पाओ उसे मर्डरर कह रहा है। फिर इवान डिसाइड करता है कि वो दोनों मिलकर एना को मार देंगे। इवान पाओ का हाथ पकड़कर एना के मुंह पर कॉफिन लगा देता है और एना की सांसें रुक जाती हैं। इसके बाद वो दोनों एवी की बॉडी डस्टबिन में डालते हैं और इवान उसे ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। यहाँ पाओ एना की बॉडी साफ करने लगता है ताकि किसी को यह पता ना चले कि उसके साथ क्या हुआ है। इवान एवी की बॉडी को पास के ही एक गार्डन में छोड़ देता है। यहाँ पाओ ये देखता है कि एना होश में आ गई है। ये देखकर वो एना को कहता है कि तुम मरने का नाटक करो और यहाँ हमें पता चलता है एना अब काफ़ी ठीक हो चुकी है। इसी बीच वहाँ इवान आ जाता है और वो दोनों लाइट ऑफ करके निकल जाते हैं। तभी लिफ्ट के पास इवान को याद आता है कि वो अपना एक कार्ड मुर्दा घर में भूल गया है, जिसे वापस लेने के लिए वो बोलता है, लेकिन पाओ उसे रोकता है क्योंकि उसे पता होता है कि एना जिंदा है। फिर इवान और पाओ दोनों मुर्दा घर वापस आ जाते हैं और यहाँ इवान एना को कपड़े चेंज करते देख लेता है। उसे पाओ पर गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था कि एना जिंदा है और उसने एना का साथ दिया। वो पाओ को मारने लगता है। इसी बीच एना पीछे से इवान के गर्दन पर वार करती है। उसके हाथ में सीजर होता है और उसकी गर्दन काट देती है। पाओ ये देखकर बुरी तरह डर जाता है। वो सोचता है कि शायद एना उसे छोड़ देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एना पाओ को भी मार देती है क्योंकि उसने उसका रेप किया हुआ होता है। और यही मूवी का दी एंड होता है।